नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप काफ़ी महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज को देखने वाले हैं या फिर समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, जो आपको यहां पे याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। वैसे प्रतिभागी जो या तो KBC का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर कॉम्पिटिशन का आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट GK होगा। और यहाँ पे याद रखिए कि हम हर दिन जो है आपके लिए एक नया वीडियो, यानी कि हर बार जो है नया नया जनरल नॉलेज जो बिल्कुल किसी भी कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण होगा, वो पर डे एक एक वीडियो जो है इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो चलिए आज का जो पहला सवाल है हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला सवाल जो है, बंद पिंजरे का तोता किसे कहा गया है? बंद पिंजरे का तोता किसे कहा गया है? ऑप्शन 4 है, केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, CBI और कानून मंत्रालय। इसमें जो है बंद पिंजरे का तोता CBI को कहा गया है। आपको याद होगा 2013 में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा CBI को बंद पिंजरे का तोता कहा गया था। और यहाँ पे क्यों कहा गया था ये भी आप समझ लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया था कि CBI जो है वही बोल बोलता है, यानी कि उसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो केंद्र सरकार जो है उसको मजबूरन करती है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है CBI को बंद पिंजरे का तोता कहा गया था। चलिए दूसरा जो सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, संस्कृत किस राज्य की द्वितीय भाषा है? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें संस्कृत जो है ये सम्मिलित भाषा है। लेकिन एक फैक्ट आप ये भी यहाँ पे जान लीजिए कि संस्कृत भारत के किसी भी राज्य का राज्यीय भाषा नहीं है, यानी कि किसी भी राज्य का राजकीय भाषा संस्कृत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का जो है द्वितीय भाषा है। तो ये इसको आप याद रखिएगा कि किसी भी राज्य का जो है राजकीय भाषा संस्कृत नहीं है, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसका द्वितीय राज्यीय भाषा जो है वो संस्कृत है। तीसरा सवाल आप देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान में कितनी भाषा शामिल है? तो ये आपको मालूम होगा, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची यहाँ पे छूटा हुआ है। तो आप समझ लीजिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 22 हो जाएगा, यानी कि 22 भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। चौथा सवाल आप यहाँ पे देखिए, हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? तो इसमें ऑप्शन 4 आप देख रहे हैं, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, इंसा अल्लाह खां और सदासुख लाल। तो इसका जो सही जवाब है वो है राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद ने अपना उपनाम जो है सितारे हिंद रखा था। पांचवा सवाल को देखते हैं, भारत की सबसे महंगी बजट की फिल्म कौन सी है? देखिए ये बिल्कुल इजी भी क्वेश्चन है और थोड़ा ये डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा, उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा जिनको मालूम नहीं होगा। तो भारत की सबसे महंगी बजट की जो फिल्म है, आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, अधिकांशतः प्रतिभागी जो है इसमें बाहुबली 2 को टिक मार देंगे क्योंकि उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी बजट की यही फिल्म है, लेकिन नहीं, भारत की सबसे महंगी बजट की जो फिल्म है 2.0, जो कि पिछले साल ही जो है रजनीकांत और अक्षय कुमार की ये पिक्चर है रोबोट 2.0, जो 560 करोड़ में बनकर तैयार हुआ था। और इसके साथ आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, बाहुबली 2 जो कि 250 करोड़ में बना था, धूम 3 175 करोड़, और तानाजी भी जो है तुरंत रिलीज हुआ था, ये अजय देवगन की पिक्चर थी और इस पिक्चर में काफ़ी VFX का इस्तेमाल भी किया गया था और इस कारण जो है काफ़ी सारे प्रतिभागी तानाजी को भी टिक मार सकते हैं, लेकिन तानाजी जो है सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ यानी कि बाहुबली 2 से भी कम बजट में बना था। तो भारत की सबसे महंगी बजट की फिल्म रोबोट 2.0 है। और एक और जानकारी आपको यहाँ पे दे दे कि ये जो 2.0 है ये भारत ही नहीं एशिया की सबसे महंगी बजट की ये फिल्म है, तो ये आप यहाँ पर जरूर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 6ठा सवाल आप देख लीजिए कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय एक पुस्तक है और इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक यहाँ पे आप देख सकते हैं जायनक है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो जायनक जो है ये पृथ्वीराज विजय के लेखक है। 7वां सवाल आप यहाँ पे देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा भी गया है, बिल्कुल ईजी है लेकिन काफ़ी इस सवाल को पूछा गया है काफ़ी सारा कंपटीशन में। तो आप यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, ये आप याद रख लीजिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ किस प्रदेश में स्थित है, तो वो है उड़ीसा। 8वां सवाल आप यहाँ पर देखिए, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है?
ये भी क्वेश्चन जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन को भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। तो ये आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए नौवां सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया है। काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपको मिलने वाला है, जो हर बार पूछा जाता है। और आगे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर इस क्वेश्चन में से ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये राजस्थान के अजमेर में बनाया गया था। ये एक जो है मस्जिद है और ऐसा बताया जाता है कि इस मस्जिद का जो निर्माण है सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन में हुआ था। और यही कारण है कि इस राजस्थान के अजमेर मंदिर को 2.5 दिन का झोपड़ा का कहा जाता है। चलिए दसवां सवाल यहाँ पर देख लेते हैं कि वीरभूमि किससे संबंधित है। बिल्कुल ईजी सवाल है यहाँ पर। और सबसे बड़ा एक आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको एक यहाँ पे दे रहे हैं लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन आप यहाँ पे याद कर लेंगे। तो वीरभूमि किससे संबंधित है, सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है, यानी कि राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसको वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। और उससे ऊपर आप 3 ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। एक है लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट से नाम जाना जाता है, ये आप याद कर लीजिएगा। बाबू जगजीवन राम, इनका जो समाधि स्थल है उनका समता स्थल के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ बी का जो और आप याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा भी गया है कि किनको जो है बाबू के नाम से जाना जाता है, तो वो है जगजीवन राम। इसमें बाबू जगजीवन राम लिखा हुआ है लेकिन कई बार पूछा जाता है कि किनको बाबू से संबोधित किया जाता है, तो वो है जगजीवन राम। ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। और महात्मा गांधी, इनका समाधि स्थल आप लोग जानते होंगे जो कि राजघाट है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में जो है 4 क्वेश्चन आपका फैक्ट यहाँ पे निकल के आ गया। और चलिए आगे का जो 11वां सवाल है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऋषभदेव, महावीर, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे, ये याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलिए 12वां सवाल आज का देखते हैं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है। तो इसी वीडियो में हम आपको पहले ही बताए हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे पहले कहाँ स्थित है, तो वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि हम आपको बताए हैं। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि जो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर है उसका निर्माता कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं और इस सूर्य मंदिर का जो निर्माता है वो है नरसिंह द्वितीय। तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा, सबसे पहला तो याद कर लीजिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर वो किस राज्य में है, तो आप याद कर लीजिएगा। और दूसरा जो इस सूर्य मंदिर के निर्माता है यानी कि कौन इस मंदिर को बनाया है, तो नरसिंह द्वितीय है। चलिए 13वां सवाल यहाँ पर देखते हैं, पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि कौन है जिन्होंने पारसी धर्म का स्थापना किया था। तो 4 ऑप्शन आप यहां पे देख सकते हैं, ए बी सी और डी। इसमें जो इसका सही जवाब है वो है जोरोस्टर। जोरोस्टर है, उन्होंने पारसी धर्म को स्थापना की थी, इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 14वां सवाल आप यहां पे देखिए, बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है। शोक का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, वैसा नदी जिस नदी से जो है उस राज्य को काफ़ी क्षति होता है, यही कारण है उस नदी को शोक नदी कहा जाता है। तो बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन है, कोसी, गंगा, गोदावरी और यमुना। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोसी। कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है और ये नदी जो है बिहार के लिए श्रापित नदी है, यानी कि एक शोक नदी इसे कहा जाता है। कोसी नदी के कारण जो है बिहार का फसल का है या फिर काफ़ी जो वहाँ जीवन यापन होता है, जब बाढ़ की स्थिति आती है, जब बारिश का समय होता है, तो इस नदी के कारण जो है बिहार में काफ़ी क्षति वहाँ पे देखा जाता है। यही कारण है कि बिहार को जो शोक नदी है उसको कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और लास्ट जो आज का क्वेश्चन है यानी कि 15वां क्वेश्चन, भारत एक खोज, इस शब्द को आप याद कर लीजिए। ये एक पुस्तक है, भारत एक खोज, जिसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से भी पूछा जाता है, ये आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। भारत एक खोज नहीं लिखकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी यहाँ पे लिख सकता है। तो भारत एक खोज किसके द्वारा लिखी गई है,
ये एक पुस्तक है, और ये जो पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक को कब लिखा गया था, तो 1944 में जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, और किस भाषा में लिखा गया था ये भी आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज को जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, और उसके बाद जो है हिंदी के अलावा कई सारी भाषाओं में जो है इस पुस्तक को वहाँ पे ट्रांसलेट किया गया था। लेकिन पहला जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर भारत एक खोज जो जवाहरलाल नेहरू लिखे थे उसको इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। तो इस तरीके से आज का जो इस वीडियो में 15 सवाल पूछा गया है या फिर आपको बताया गया है, ये 15 सवाल अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हर बार जो है इस तरीके का क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा ही जाता है। और चलिए एक सवाल हम आपको यहाँ पे आपके लिए देते हैं, जिसका जवाब जो है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। यानी कि इस सवाल का जवाब हम आपको नहीं देंगे, इसका जवाब जो है आपको अगर मालूम होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप पोस्ट कर दीजिएगा। तो 16वां जो सवाल है कोविड-19 के उपचार के लिए, कोविड-19 का मतलब आप समझ गए होंगे, कोरोना वायरस की जो बीमारी है उसी का नाम दिया गया है कोविड-19। तो कोविड-19 के उपचार के लिए पोर्टेबल अस्पताल यानी कि पोर्टेबल हॉस्पिटल किस आईआईटी संस्थान ने बनाया है? चार ऑप्शन है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई और फिर आईआईटी खड़गपुर। इसका जो भी एक सही जवाब है, अगर आपको जवाब मालूम है, आपको बिल्कुल वहाँ पे देखना नहीं है, गूगल पे सर्च नहीं करना है, रियल अगर आपको मालूम है तो आप इसका जो पोस्ट है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप डाल दीजिए। और इस तरीके से फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे फिर नए क्वेश्चन के साथ, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा।